और ये जो इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है ये क्या है? ये आज हमारे आज का स्टार है हमारा, उसकी बर्थडे है, उनकी फैमिली ये बना के लाई है, उनकी कजन ये बना के लाई है, उनसे भी हम आपको अभी मिलवाएंगे, उनके चचा यहाँ मौजूद हैं और उनकी बहन भी यहाँ मौजूद है। आज तो फैमिली बर्थडे हो गई, वो तो खुद एक स्टार है, वो खुद एक सुपरस्टार है। हाँ, उनसे हम जरूर बात करेंगे, अभी शाजिया को भी बुलाते हैं। लेकिन आज 9 बजे आपने मूवी देखना भूल रबावे साया दिलानु मिला दे साया हर बार सा की करदा तू प्रीत जगा दे साया ओ साया ओ साया। लेकिन आपने कोई वेट पुट ऑन नहीं किया, अभी हम वो एक आपकी वीडियो देख रहे थे, वो आप बच्चा यासिर था ना और अब जो यासिर है तो वो इतना कोई अब बड़ा बच्चा है, अब इतना कोई फर्क तो नहीं आया यासिर? अरे कुछ तो बोल दो मेरी जान, तुमको मैं नहीं दूंगा कभी धोखा, सुन लो नहीं। लेकिन ये मेरा नहीं है एक्चुअली। हाँ। जो आप थैंक यू मैं करना चाहता हूँ, देखें इनके अगर आप वार्डरोब में जाएंगे ना, हाँ, आपको एक टाई इधर से उधर नजर नहीं आएगी। और ये वाइट जूते कैरी करना, वाइट जूते दिखाएं जी चाचा जी के, लड़कियां और लड़के सब नाम से जानते हैं इरफान। इन्होंने इरफानिस्तान बना के पाकिस्तान का नाम और ऊंचा किया है। और ये जो मेहर अलवी साहब हैं ये बड़े शरारती हैं। ये कभी कभी अच्छी बातें लिखते हैं लोगों के बारे में, कभी नहीं ज्यादा, और कभी कभी ऐसी बातें भी लिख देते हैं जो कि आर्टिस्ट लगने लगते हैं मुझसे ज्यादा उमेर मेरे बारे में जानते। तो अब जब सुबह मुझे रात में ख्याल आया कि बैठे बैठे मेरी 23rd हो गई है यासिर की बर्थडे और सुबह वहाँ जाने तो केक तो कटेगा फिर। हाँ, फिर सही है, पार्टी तो होगी। हाँ, विश करें यासिर भाई को क्योंकि आज इनकी बर्थडे है। हाँ, और इनका आज स्पेशल डे है जिनकी आज फिल्म हो रही है, जो मुझ को पता है लेकिन सबसे ज्यादा पता इनको है कि फिल्म कितनी मुश्किल से बनी है। और आज के बाद सबको पता चल जाएगा। आइए मिलकर हम यासिर की बर्थडे का केक काटते हैं जो नौशीन बहुत इनकी कजन बहुत प्यार से बना के लाई है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कौन कब आएगा कौन कब जाएगा कोई ना जाने, दर सबक कितने हमें यहाँ सिखलाएगा, मोड़ कितनों पे हमें ये दिल ले जाएगा कोई ना जाने, मगर पाकिस्तान है। मुझको पता है कि पीटीवी हम सबका चैनल है, आपका चैनल है, यहाँ मैं बड़ा हुआ और आज मेरे लिए ऑनर की बात है कि ये जो नया सिलसिला 12 फिल्म्स का मल्टीनेशनल शुरू हुआ है, फिल्म्स का जो दुनिया भर में फिल्म बंद होंगी, आज मेरी सालगिरह के दिन। वाओ ग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच। 23rd ऑफ नवंबर सजिटेरियस। चाहते हैं कि अब सिर्फ हमें ना पता चले बल्कि पूरे मुल्क को पता चल जाए। डोमेस्टिक वायलेंस, ड्रग्स, ये ऐसे सोशल इश्यूज हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी अभी तक इनका इलाज नहीं हो पा रहा। दिल चल रहा है तेरी पलकों के हिसाब, देखो तो एक नजर।
नजर और कुछ तो कह भी दो, सिमटे से क्यों हो और कुछ तो बोल दो। मेरी जान तुमको मैं नहीं दूंगा कभी धोखा, सुन लो जो सोल्स होती हैं अच्छी हाँ। वो एवरग्रीन होती है। सही बात, बहुत अच्छी तरह ओ थैंक यू सो मच। आपकी सोल है मार्शल, तेरे नैनों के हैं सागर दीवाने, तेरे होठों से हैं मौसम भी सुहाने, दिल में है सनसनी वो मेरी हंसनी, बाहों में आ जाओ ना सपनी सजा जाओ ना। जो अच्छा खाना बनाता है वो रेसिपी चोरी मतलब किसी से शेयर नहीं करता, ये क्या मसला है? शेयर कर रही असल, है असल अगर हमने आज आपकी बर्थडे के दिन आपको वो टेस्ट ना कराया तो क्या हुआ बर्थडे? आइए अब आप जरा आ जाएं। लेकिन आपने कोई वेट पुट ऑन नहीं किया। अभी हम वो एक आपकी वीडियो देख रहे थे, वो आप बच्चा यासिर था ना, और अब जो यासिर है तो वो इतना कोई अब बड़ा बच्चा है, अब इतना कोई फर्क तो नहीं आया यासिर? आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? यासिर अख्तर ने जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने लिए एक नाम कमाया है उसके बारे में मैं क्या ही कह सकती हूँ, लेकिन और ना कि अपने लिए कमाया है लेकिन और भी लोगों को मौका दिया है, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं आपको यासिर अख्तर जी ढेर 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 सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ, जन्मदिन की शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ, और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप नई ऊँचाइयों को चमक रही है, चाहतों की राहें तेरे लिए प्यासी है मेरी निगाहें। यासिर अख्तर आप जानते हैं हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, वो सिंगर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। उनकी एक आविश है जो उन्होंने मल्टी नेशनल फिल्म के हवाले से एक सीरीज का आगाज किया है, मैगजीन प्रोडक्शन और मल्टी नेशनल। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू। नहीं आप बिल्कुल इस काबिल हैं कि आपके लिए ऐसा इंट्रो दिया जाना चाहिए था, ये आप इनको दें। इसके बगैर ये मेरा नहीं है एक्चुअली जो आप थैंक यू मैं करना चाहता हूँ। तो आज आप यहाँ बैठे जी। मैं बहन भाई को आमने सामने बिठाऊंगी थोड़ी देर। अच्छा, आप यहाँ बैठे प्लीज। अच्छा ओके। और अब होंगी शिकायतें। शिकायतें ये बताओ लड़ाइयाँ कितनी होती हैं एक दूसरे से? लड़ाइयों का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ तो बड़ा तमीज वाला माहौल होता है हमारा। तमीज वाला माहौल होता है, शरारतें। पहले मुझे बता दो कि बड़ा कौन है, ये या ये? ये बड़े हैं। ये बड़े हैं जी जी। ओके, हालांकि लगते नहीं है। पूरा मोहल्ला गवाह है, पूरा मोहल्ला गवाह है इसका। आप किसी से पूछ लें जाके हमारे मोहल्ले में जहाँ रहती हैं ये, कि ये जन्नती हैं, क्योंकि इन्होंने अम्मी को नहलाया भी है, खिलाया भी है बच्चों की तरह, जो आखिरी दिन के दस। इसी तरह से मेरे जो मामू हैं जावेद जब्बार साहब, उनके साथ उनके घर में जो वक्त गुजरा, उनकी फैमिली के साथ, महरीन जब्बार जो मेरी कज़न है, उनके साथ जो टाइम बचपन में गुजरा हमारा, हमने जो मैंने फर्स्ट ऐड किया था वो उन्हीं की ऐड एजेंसी से किया था, पीक फ्रेंड्स का जो ऐड था, पीक फ्रेंड्स का इसको क्रिएट किया था इस लाइन को, द लेजेंड लीड्स द रेस्ट फॉलोस। और एक ही मेरी बहन है और वो माशाल्लाह है रिजवाना अख्तर साहिबा, और वो है एक मशकूक
शख्स है, उसका नाम है यासिर जी, उनकी वालिदा है। ये वही यासिर है जिसके साथ आप आज तशरीफ लाए जी, बिल्कुल। वाह माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, वेरी प्लेजेंट सरप्राइज टू हू। मेरे लिए एजाज की बात है कि पहली दफा मैं अपने मामू के साथ जावेद जब्बार साहब, बहुत बड़ी पूरी नामी गिरामी इन्होंने बहुत सारे लोगों को एडवर्टाइजिंग में किस किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया है, बहुत सारे नाम हैं और बहुत एक लंबा एड फिल्म मेकर और बिल्कुल क्या सेनेटर, मिनिस्टर, क्या क्या नहीं, पॉलिटिक्स, इतनी सारी चीजें, अपने आप में खुद एक इंडस्ट्री है। ये मेरी कजन ने बनाई, हाँ वो मैं अभी मिली उनसे नौशीन जो है, कमाल, हाँ 3 दिन से इस केक पे काम हो रहा है और इतना कमाल। और वैसे तो बेसिकली वो करती है, लेकिन जब मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगी, मुझे सिर्फ बताओ क्या तुमने। मैंने कहा यार 3 चीजें जरूर होनी चाहिए, सबसे पहले लोगो पीटीवी का, हाँ, जिसके बगैर कंप्लीट नहीं होगा, उसके बाद पेगासस और उसके बाद हैप्पी बर्थडे। अमेजिंग, देखें ये तो, लेकिन अब ये कि शुक्रिया मैं उनका तब अदा करूंगा जब खुद आएंगे, वो खुद आएंगे। बड़े हैंडसम चाचा हैं, नहीं ये बड़े, ये जिस महफिल में जाते हैं तो जो जो यंग लड़के हैं ना वो मुश्किल हो जाती है। मैं बता रहा हूँ, जब ये जाते हैं आप इनकी ड्रेसिंग देखें, इनके अगर आप वार्डरोब में जाएंगे ना, आपको एक टाई इधर से उधर नजर नहीं आएगी। और ये वाइट जूते कैरी करना, वाइट जूते दिखाएं जी चाचा जी के, ओए ओए ओए, इसकी तो अलग ही कहानी है। ये करना तो बड़ा ही, दीस आर ऑलमोस्ट 30 इयर्स ओल्ड, 30 इयर्स ओल्ड एंड नॉट बीन पॉलिश्ड वंस, 30 इयर्स के मुझे आप नहीं लग रहे। हमारी फैमिली में है ये बात, दिस वाज अडॉप्टेड बाय पेरेंट्स, जहाँ भी से ना, मतलब फादर मेरे बड़े पंचुअल, बड़े वेल ड्रेस, उनका उठना बैठना हमेशा मतलब ऑलमोस्ट फॉरेनर्स के साथ था। अच्छा, लेकिन हमारे घर की जो अपनी तरबियत थी, वो अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि रात के जो कपड़े होते थे नाइट सूट, वो भी इस्त्री करके पहनाए जाते थे। वो मुझ में आई कि उस पर क्रीस ना हो, बहुत ज़्यादा नाइट सूट भी इस्त्री होना, कोई अगर हूर आ जाए, कोई परी आ जाए, आप हीरे दा कोई मुल न तारे, खोटे सिक्के चल दे वेके, आपके जूते इतने साफ क्यों होते हैं, आप इतने वेल ड्रेस्ड क्यों हैं, आप इवन डायरेक्शन भी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल साफ सुथरे होकर कर रहे हैं। मैंने कहा ये मेरे चाचाओं की, मेरे वालिद साहब की, मेरी फैमिली की, मुझे जो भी तरबियत है। इसके फादर जो थे, he was the most well dressed in my family. बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको ऐसे साथ देख के, अल्लाह ताला हमेशा आपको इस तरह से रखे हंसता बसता। तेरी आंखों में गुम ऐ सनम, तेरे ख्वाबों में गुम ऐ सनम, तेरी आंखों में गुम ऐ सनम, तेरे ख्वाबों में गुम। अब करूं ना इंतजार, कहीं धड़कन बार बार आए ना दिल को करार ऐ सनम। आइए मिलकर हम यासिर की बर्थडे का केक काटते हैं, जो नौशीन बहुत, इनकी कजन बहुत प्यार से बना के लाई है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, कोई ना जाने दर। सबक कितने हमें यहाँ सिखलाएगा, मोड़ कितनों पे हमें ये दिल ले जाएगा, कोई ना जाने मगर।
यासिर अख्तर ने अपने फनी सफर का आगाज बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पीटीवी नेटवर्क और पाकिस्तान की पहली अंग्रेजी फीचर फिल्म बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन से किया। स्कूल के जमाने में यासिर ने मुख्तलिफ मल्टी नेशनल ब्रांड्स के टीवी कमर्शियल्स में अदाकारी और मॉडलिंग की। कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गए। यासिर अख्तर जब कॉलेज में आए तो उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के यादगार सीरियल्स तपिश, दस्तक, ख्वाब सुहाने, कल्लो, मूनसून, ये जहां में अपनी अदाकारी से लोगों के दिल जीत लिए। 17 साल की उम्र में यासिर अख्तर पाकिस्तान के मशहूर तरीन म्यूजिकल ग्रुप द एरिड जोन के लीड सिंगर बने और एक के बाद एक मकबूल गीतों को अपनी आवाज में गाकर पूरी दुनिया में मशहूर कराया। यासिर अख्तर 19 साल के थे तो उन्होंने पाकिस्तान का पहला पॉप चार्ट शो म्यूजिक चैनल चार्ट न सिर्फ प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया बल्कि अनगिनत नए सिंगर्स और आर्टिस्टों के करियर लॉन्च किए। इनके करियर में अनगिनत प्रोडक्शंस ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के प्राइवेट प्रोडक्शंस और मीडिया इंडस्ट्री में नए ट्रेंड शुरू किए, जैसे कि पाकिस्तान की पहली म्यूजिकल टेलीफिल्म सीरीज, ड्रामा सीरियल्स फ्रेंच टोस्ट, मेरा घर एक वर्लपूल, नहीं पारिस ये क्या कर रहे हो, जाए कहां जाए कहां अरमान, जाए कहां अरमान, दुनिया हंसती है दिल रोता है, सुनरी पवन, आग और कई और शानदार प्रोडक्शंस शामिल हैं। यासिर अख्तर ने बर्तानिया में पहली बार पाकिस्तान परेड का आगाज मैनचेस्टर के शहर में हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर कामयाबी के साथ 2004 में किया। मल्टी टैलेंटेड सुपरस्टार यासिर अख्तर ने न सिर्फ अपना नाम पूरी दुनिया में बनाया बल्कि कई और आर्टिस्टों को इस फील्ड से मुतारफ कराया, जिनमें नजम शराज, फखरे आलम, हुमायूं सईद, शमून अब्बासी, शहजाद रॉय, नदीम जाफरी, कोमल रिजवी, जवेरिया अब्बासी, अरमीना राना खान, तुबा सिद्दीकी, निदा यासिर, जारा शेख और इसके अलावा कई और नाम शामिल हैं। यासिर अख्तर कई मल्टी नेशनल कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। बर्तानिया के मकबूल तरीन परफॉर्मर्स अपाची इंडियन, स्टीरियो नेशन, सहारा म्यूजिकल ग्रुप के अलावा और बहुत से आर्टिस्टों के साथ मिलकर यासिर अख्तर ने कई कामयाब प्रोडक्शंस बनाई और पाकिस्तानियों के लिए बाइस फखर बने। यासिर अख्तर ने पाकिस्तान और बर्तानिया के अलावा दुनिया भर से बेशुमार अवार्ड्स हासिल किए, जिन अवार्ड्स में एक वन मैन इंडस्ट्री का अवार्ड है जो उन्हें वॉशिंगटन डीसी में मिला। यह अवार्ड उनको बतौर गुलकार, अदाकार, प्रोड्यूसर और हिदायतकार उनकी पाकिस्तान के लिए काबिल तहसीन खदमात के लिए मिला। हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म आजाद यासिर अख्तर के नए प्रोजेक्ट मल्टी नेशनल फिल्म्स की पहली मूवी है। मल्टी नेशनल फिल्म्स में हर दफा एक नए मौजू के साथ एक नई फिल्म रिलीज होगी। इन फिल्मों में दूसरे मजाहिब के लोगों के किरदार भी होंगे और पाकिस्तानियों के जरिए इनमें अमन का पैगाम दिया जाएगा। मल्टी नेशनल फिल्म्स को यूके, यूएसए, यूएई और पाकिस्तान के अलावा कई और ममालिक में फिल्म बंद किया जाएगा। डर लगता है कि किसी की नजर ना लग जाए। सांस पे हर एक नाम तुम्हारा जैसे, मुझे पता है मैं वक्त लिया, हाथ ना लगा मुझे, डालो
कभी सुकून से रह नहीं पाओगी। ये एक माँ की बदुआ है तुम्हें। लगेगी बरसात रे मोरे का नाम अपने दिल से अपने घर से निकाल दूंगा मैं। अगर उससे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। Get out। मैं नहीं जाऊंगी यहां से। मगर क्यों? क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। प्लीज मत चिल्लाना। दूल्हे से बच के भाग रही है, छोड़ो मैं। आपने मुझसे शादी क्यों नहीं की? आबे मदोशी की आमिजिश। क्यों? दिल में तो नहीं लेकिन नजर में। जब किसी के दर पे जाते ना कुछ मांगने के लिए इतना बड़ा जिगर भी साथ लेके जाते हैं। इसको गिरफ्तार कर लो। एवरग्रीन सुपरस्टार यासिर अख्तर ने हर बार अपने तख्लीकी कामों से पाकिस्तान का परचम सरबुलंद किया है और हमारी यही दुआ है कि वन मैन इंडस्ट्री हमेशा इसी तरह कामयाबी के साथ अपने वतन की शान रहे।